यह है गिरिडीह जिला अंतर्गत बगोदर के अटका निवासी हरिनाथ तिवारी। हरिनाथ तिवारी के इकलौते बेटे की हत्या कर दी गई। पिछले एक साल से वे ताटीझरिया ब्लॉक ऑफिस का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अब तक मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत नहीं हो पाया है। हरिनाथ तिवारी के इकलौते बेटे संजीत कुमार तिवारी की लाश ताटीझरिया के बेड़म जंगल से मिली थी। परिवार वालों ने लाश की पहचान उसके कड़े और कपड़ों से की थी, लेकिन पुलिस की एक गलती इस परिवार पर भारी पड़ गई। पुलिस ने दर्ज FIR में जहां लाश को संजीत कुमार तिवारी का बताया, वहीं दूसरे कॉलम में उसे अनआइडेंटिफाइड भी लिख दिया। इस वजह से अब तक मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत नहीं किया जा सका है। हरिनाथ कहते हैं कि बेटा तो चला गया, पर पीछे छोड़ गया 22 वर्षीय बहू खुशबू और 1.5 साल के पोते को। कहा, मृत्यु प्रमाण पत्र निर्गत नहीं होने से LIC तक का पैसा मिल नहीं पा रहा है, जिससे बच्चे के लालन पालन में उन्हें काफी दिक्कतें आ रही है। हरिनाथ ने इस साल जनवरी में भी अनशन किया था, लेकिन तब अधिकारियों ने उन्हें समझा बुझा कर अनशन तुड़वा दिया था, लेकिन इतने महीने बीत जाने के बाद भी उन्हें अब तक डेथ सर्टिफिकेट नहीं मिल पाया है। हरिनाथ कहते हैं कि उनके बेटे के मौत के गम में उनकी पत्नी सुभद्रा भी चल बसी। कहा, उम्र के इस पड़ाव में जैसी परेशानी वह झेल रहे हैं, उसे अधिकारियों की लापरवाही ने और बढ़ा दिया है। बताते चले कि हरिनाथ तिवारी के बेटे संजीत कुमार तिवारी की हत्या कर दी गई थी। बाद में पुलिस ने हत्यारे को पकड़ लिया था। हत्यारे की स्वीकृति और निशानदेही पर पुलिस ने पिछले साल 22 अप्रैल को शव को बेड़म जंगल से बरामद किया। हरिनाथ कहते हैं कि जब अधिकारी एक वृद्ध पिता की फरियाद नहीं सुन सकते, तो अन्य का क्या होता होगा, यह समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। खबरें हजारीबाग के लिए हमारे संवाददाता प्रदीप पाठक की रिपोर्ट। आज तारीख 16/5/2023 से ताटीझरिया प्रखंड मुख्यालय पर हम आमरण अनशन करने का निश्चय किया है। कारण है कि आए 5-6 महीना से एक मामूली मृत्यु प्रमाण पत्र हमारे लड़का का जो देहांत हुआ है वो देने में अर्जुन प्रसाद पंचायत सेवक जो हैं वो शुरू में हमको कहें कि इसमें 10-12 हज़ार रुपया खर्च आता है, कम से कम आप अगर हैं तो 10 हज़ार रुपया दीजिए, जिसमें हमको कुछ मैडम को भी देना पड़ता है, वीडियो को देना पड़ता है और कुछ हम रखेंगे। हम पैसा देने के से इनकार हुए, कहे कि हम एक सामाजिक आदमी हैं, हम पैसा नहीं दे सकते। उसके बाद ये कानून निकालने लगे और ये बरगलाते बुला रहे थे, फलना के टेबल पर आप जाइए, तो फलना टेबल पर जाइए, और जाते जाते यहाँ से जिला तक हमको दौड़ा दिया गया। आज अब हम दौड़ने की स्थिति में नहीं हैं। हमारी उम्र लगभग 65 साल हो चुका है, और इसके खौफ में, हमारे लड़का के खौफ में हमारी पत्नी का भी देहांत हो गया। इसकी भी दुख दर्द हम आदरणीय BDO साहिबा को बताए, उसके बाद भी ये आज तक हमको प्रमाण पत्र BDO साहब नहीं दिए। और अब कारण यही है कि हम ना 10 हज़ार रुपया दे पाएंगे, गरीब आदमी हम हैं, BPL के तहत हैं, ना हम पैसा दे पाएंगे, ना ये लोग हमारा आज तक प्रमाण पत्र। हम अंतिम एक हथियार पाया कि अब हम धरना और आमरण अनशन पर ही बैठेंगे। जब हमारे पुत्र चला गया, मेरी पत्नी चली गई, तो हम जी के क्या करेंगे। इसलिए आज से हम भूख हड़ताल पर हम हैं, हमारी जान ताटीझरिया प्रखंड मुख्यालय पर ही जाएगा।